अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको अपना ITR फाइल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना ITR फाइल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। कैसे, वो आज सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका RJ, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और आप में से काफ़ी लोगों ने ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। देख लो, फिर नोटिस आ जाएगा तो मुझे मत कहना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम के 5 हेड्स होते हैं। उनमें से अगर इन 3 हेड्स, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। जितने भी लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से 50% लोगों का काम ITR 1 से हो जाता है, जिसे ही हम आज सीखने वाले। क्लैरिटी के लिए आप जाइए incometax.gov.in, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप इंडिविजुअल HUF सेक्शन में, सैलरीड एम्प्लॉय सेक्शन में जाइए, रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, तो आप देख पाएंगे यहाँ जो ITR 1 सहज है वो कोई भी सैलरीड पर्सन जिसकी वन हाउस प्रॉपर्टी से, यानी एक घर से रेंटल इनकम आ रही है, उसके साथ अदर सोर्सेज की इनकम जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड है, एंड एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 रुपीज है। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की है कि कौन ITR 1 नहीं फाइल कर सकता अगर ये किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर अनलिस्टेड इनके पास शेयर यानी ESOPs वगैरह इनके पास है, या अगर कोई भी एसेट इंडिया के बाहर का है जैसे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर ये अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी भी तरीके के, तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कैपिटल गेन है आपके पास, अगर स्टॉक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उससे कुछ पैसा आपके पास आया है, तो ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो से आपको ITR 2 फाइल करने में भी काफी मदद मिल जाएगी, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि किस सेक्शन में कौन सा नंबर डालें। हम ये सोचते हैं कि क्या इसके लिए हमें अपनी सारी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या पूरे बैंक स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। जी नहीं, इसके लिए आपको देखने हैं 2 बहुत सिंपल से फॉर्म। पहला फॉर्म है फॉर्म 16, दूसरा फॉर्म है फॉर्म 26AS। फॉर्म 16 आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। अगर किसी भी साल में आपने एक से ज्यादा कंपनीज के साथ काम किया है तो आपके पास मल्टीपल फॉर्म 16 भी हो सकते हैं। फॉर्म 16 में यहाँ पर लिखा होता है नाम और एड्रेस उस कंपनी का जिसने ये इश्यू किया है, और यहाँ पर लिखा होता है आपका नाम और एड्रेस। यहाँ पर असेसमेंट ईयर भी मेंशन रहता है। अभी हम देखेंगे असेसमेंट ईयर 2023 से 2024, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में आपकी जो अर्निंग हुई है उसका रिटर्न हम अभी फाइल कर रहे हैं, जो कहलाता है असेसमेंट ईयर 2023-24। नीचे सेक्शन में आपको क्वार्टर वाइज कितनी इनकम हुई है, यानी कंपनी ने आपको कितना पेमेंट किया और उसके अगेंस्ट कितना TDS आपका जमा किया है कंपनी ने, वो आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस एम्प्लॉय की 24,59,000 इनकम है और इसका करीब 5 लाख रुपए का TDS जमा हुआ है। TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी वो पैसा जो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी डिडक्ट करके आपके बिहाफ पर आपके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स के पास जमा करा दिया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सारे डिक्लेरेशन सही नहीं दिए या इसके अलावा भी आपके कोई और इनकम है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई है, या आपके कुछ ऐसे डिडक्शन है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताए हैं, तो ये अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है जो आप अपने ITR फाइल करते समय रेक्टिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका TDS ज्यादा कट गया हो और आपको कुछ रिफंड मिल जाए, या हो सकता है आपका TDS सफिशिएंट नहीं कटा हो और आपको कुछ और पैसा भी इनकम टैक्स के पास जमा कराना पड़े। ये सारी चीजें हम आगे कवर करने वाले हैं। इसी फॉर्म के अगर अपन पार्ट बी में जाते हैं तो यहाँ पे और भी आपको डिटेल्स मिलती है। पार्ट बी में आपको टोटल कितनी सैलरी मिली है वो मेंशन रहेगा, इसके अलावा कौन कौन से एग्जम्प्टेड अलाउंस मिले, जैसे कि ग्रेचुटी मिली है कि नहीं, कोई पेंशन मिला है कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो HRA का जो एग्जम्पशन मिला है वो इस एम्प्लॉय को 1,21,000 रुपये का मिला हुआ है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये होता है हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, उसके अलावा इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 2,500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स भी इसने जमा कराया है, जो भी सेक्शन 16 के अंडर एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हो बाकी कोई भी इनकम इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई और इनकम नहीं है या कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है वो यही इनकम हमारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हटाने के बाद दिख रही है। इसके अलावा जो 80C का एग्जम्पशन है वो यहाँ पर 71,700 रुपीज का है। इसके अलावा 80D जो कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वाला सेक्शन है उसमें यहाँ पर 0 मेंशन है। अगेन, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है लेकिन अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं करी, इसलिए फॉर्म 16 में नहीं दिख रहा है। फॉर्म 16 के एनेक्सचर में स्क्रॉल करने पर एग्जैक्टली सैलरी के अलाउंसेस भी मेंशन रहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे बेसिक सैलरी कितनी है, HRA कितना है। एक चीज आप यहां पर नोटिस करिए, हाउस रेंट अलाउंस है 2,98,000 रुपए, लेकिन
हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जम्पशन मिला है सेक्शन 10 के तहत वो केवल 1,21,000 रुपए का ही मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा एचआरए का अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होता है। एचआरए का जो अमाउंट एग्जम्प्ट होता है वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। उसका लिंक आपको आई बटन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लीव ट्रैवल अलाउंस भी मिल रखा है 5,900 रुपए का, वो भी कितना एग्जम्प्ट होगा, कितनी एग्जम्पशन मिलेगा, उसका भी वीडियो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। अब फॉर्म 26AS और एक और चीज होती है एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS, वो दोनों देखने के लिए हम लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और वहीं से हम अपना रिटर्न भी फाइल करेंगे। लॉगिन के लिए यूजर आईडी होता है आपका पैन नंबर। 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको जाना ई फाइल पर, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। कंफर्म पर क्लिक करिए, एग्री करके प्रोसीड करिए, क्लिक असेसमेंट ईयर 23-24 व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पर एक बार क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट एज PDF। अब जैसा कि हमने फॉर्म 16 में देखा था, आप यहां पर देख पाएंगे एक पर्टिकुलर कंपनी से इस एम्प्लॉई के पास 24,59,000 का अमाउंट आया है, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ अमाउंट दूसरी जगह से भी आया है। जैसे यहां पर आप देख पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कुछ इंटरेस्ट आया है, उसके अलावा एक और पर्टिकुलर कंपनी से भी 2300 रुपीज का पेमेंट है। सो बेसिकली फॉर्म 26AS में आपका जिस भी जगह पर टैक्स कटा है उसका सारा कंप्यूटेशन, सारी कैलकुलेशन यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं AIS। यहाँ पर AIS सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर। सो बेसिकली आपके पैन के अगेंस्ट जहां पर भी जितने भी पेमेंट्स आपको किए गए हैं, गवर्नमेंट उनमें से लगभग सारों को ट्रैक करके यहाँ पर दिखा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दोनों कंपनी से सैलरी मिली है उनका दोनों का सम यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स भी ऑलरेडी पॉपुलेट हो चुका है, यानी FD पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो नाउ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके सारे नंबर फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS ये आपस में मैच होने चाहिए, जो ऑटोमेटिकली मैच होंगे ही 99% केसेस में। और AIS के जो नंबर हैं, अब हम जब रिटर्न फाइलिंग की तरफ जा रहे हैं, वो सारे नंबर्स आपके ITR रिटर्न में पहले से ही रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो चलिए फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर में चुनना है 23-24, ऑनलाइन ऑप्शन जो रिकमेंडेड है उसे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप ITR फाइल करना शुरू कर चुके हैं और आधा ही फॉर्म भर के रुक गए हैं तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, जैसे आप रिज्यूम फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू से सीखते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल और ITR फॉर्म में ITR 1। फाइलिंग रीजन में आपको डालना है टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इन केस आप 2.5 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं और फिर भी ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें लिखा है कि हमने आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी उसके हिसाब से ऑलरेडी ITR में फिल कर दी है, तो आप उन्हें वेरीफाई जरूर कर लीजिए। यही है AIS का कमाल कि आपकी कई सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके इनकम टैक्स के इस रिटर्न में पॉपुलेटेड होगी और हमारा काम आसान हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ये 5 सेक्शन दिखेंगे, 1 by 1 हमें इन सारे सेक्शंस को कंप्लीट करना है। इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अगर आपका एड्रेस वगैरह कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जाके। ये एड्रेस अपडेट करके मैंने इसे सेव कर दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अदर्स क्लिक करना है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट या इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो अदर्स सेलेक्ट करिए। अगर ITR बिफोर ड्यू डेट आप सबमिट कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन 1391 आप सेलेक्ट करिए। एंड क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं? अगर आपके पास काफी सारे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन है तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने का आपको खास फायदा नहीं होगा, इसलिए आप उसे नो रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सेक्शन जरूर चेक करिए, यहाँ पे बेसिकली आपका वो बैंक डिटेल है जिसमें रिफंड आएगा, तो अगर ये गलत डिटेल आपने अपडेट करी है तो रिफंड आपका गलत अकाउंट में भी जा सकता है। एंड एंड में कंफर्म पर क्लिक करिए। तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर उन सारे सैलरी एग्जम्पशंस की बात हो रही है जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को मिलते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर रखे हैं तो वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी दिखने लगेंगे। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर नहीं करे हैं और अगर आप एडमेंट हैं, आप करना चाहते हैं कुछ एग्जम्पशन यहाँ पर डिक्लेयर, तो आप करिए, लेकिन उसके प्रॉपर प्रूफ आपके पास होने चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉई सेक्शन 10 के अंतर्गत 12,000 रुपए का इंटरनेट एक्सपेंसेस क्लेम करना चाहता है जो अदर अलाउंसेस में इसे मिलता है, लेकिन इसके बिल्स इसने सबमिट नहीं किए थे अपने एम्प्लॉयर के पास, तो ये एम्प्लॉयर ने अपडेट नहीं किया। इसके अलावा कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस नहीं है तो उसे हमने नो कर दिया। हाउस रेंट अलाउंस का ऑलरेडी एग्जम्पशन यहाँ पर 1,21,000 रुपए आ चुका है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस वो भी इस एम्प्लॉय को मिला है लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लीव ट्रेवल अलाउंस यहाँ पर 5,952 का है, लेकिन अगेन इस एम्प्लॉय ने अपने ट्रेवल वाउचर्स, ट्रेवल टिकट एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं किए तो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ITR में दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है लीव ट्रेवल अलाउंस का। अगेन इसका एग्जम्पशन आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हो, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप प्रिंट कमेंट में जाके बाद में देख लेना। लेकिन
अगर आप इस एम्प्लॉय ने टाइमली इसके वाउचर्स, इसके ट्रेवल टिकट्स अपने एम्प्लॉयर के सबमिट नहीं किए, जिसके कारण उसके फॉर्म 16 में इसका एग्जम्पशन रिफ्लेक्ट नहीं किया उसके एम्प्लॉयर ने, अब ये एम्प्लॉय इसे क्लेम करना चाहता है। फॉर्म 16 के एनेक्सचर में इसके पास 5,952 रुपए का लीव ट्रेवल अलाउंस मिला हुआ है, वो हमने यहां पर फिल कर दिया। एनी अदर एग्जम्पशंस? नो। एंड कंटिन्यू। तो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, उसके अलावा यहाँ पर लिखा रहा है कि अलाउंसेस क्लेम्ड आर मोर देन एग्जम्प्ट अलाउंस डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। जो सही है, इसने कुछ 17,000 रुपए के एडिशनल अलाउंसेस डाले हैं एग्जम्प्टेड, लेकिन उसके प्रूफ इस एम्प्लॉय के पास है, अगर नोटिस आता है तो ही इज एबल टू रिप्लाई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है, इसीलिए इसे जीरो करा गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट ईयर का कोई टैक्स रिफंड नहीं था, वो जीरो है। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स FD वगैरह वो कुछ 526 रुपए है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट वो ऑलरेडी 14,000 रुपए है। अगर इससे कुछ ज्यादा आपका अकाउंट है या कोई अकाउंट लिंक नहीं है जहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करिए और इसे एडिट कर लीजिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर भी 10,000 रुपए तक का डिडक्शन है, वो कैसे क्लेम करना है अभी आगे देखते हैं। अगर इसके अलावा कोई और इनकम है तो यहाँ पर जाकर आप और अदर इनकम ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 22,85,196 रुपए। इसे कंफर्म करिए। तो हमारे दो सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम डिडक्शन सेक्शन पर। ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सैलरी प्लान करना चाहते हो, बचाना चाहते हो। बाय द वे, अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हो और अपनी सैलरी की प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो काफी सारा टैक्स आपका बच जाएगा। इसके लिए हम कर रहे हैं एक लाइव कैपिटल गेन मास्टर क्लास, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कैपिटल गेन ऑन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, US स्टॉक्स, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, सारे इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो उन सब पर किस तरह के टैक्सेशन होता है वो सिखाएंगे। साथ ही साथ उन पर टैक्स कैसे बचाना है वो भी सिखाएंगे। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग, टैक्स ऑफसेटिंग, REC बॉन्ड्स, ये वर्कशॉप आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद करेगी। इसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। बैचेस बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, तो रिजर्व योर स्पॉट नाउ। मैं प्रॉमिस करता हूं ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका ना सिर्फ बहुत ज्यादा टैक्स बचाएगा, बल्कि आपको एक टैक्स स्मार्ट इन्वेस्टर भी बनाएगा। तो एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? नो। एनी डिडक्शन फॉर रिसर्च? नो। एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG? इसकी मैं अलग से इसलिए बात कर रहा हूँ, 80GG सेक्शन में डिडक्शन वो लोग क्लेम कर सकते हैं जिन्हें HRA नहीं मिलता है, लेकिन वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, एंड अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ और 60,000 रुपीज़ वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80C, जिसमें 71,700 ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें वो सारे आपके डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो PF, PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन का जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। देन 80CCD भी इसके लिए नो है, लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इस एम्प्लॉय ने लिया है लेकिन अपने एम्प्लॉयर को अगेन बताया नहीं, इसकी गलती, वो यहाँ पर मैं येस कर देता हूँ। इसकी डिटेल आपको बाद में फिल करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे। इंटरेस्ट लोन कोई नहीं है। उसके अलावा जो सेक्शन 80TTA है, यहाँ पर हम डिडक्शन क्लेम करना चाहेंगे क्योंकि हमको सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिला हुआ है, इसे मैं येस कर देता हूं। एनी अदर डिडक्शंस? नो। कंटिन्यू। तो आप यहां देख सकते हैं 80C में कुछ 71,000 रुपए का डिडक्शन मिला है, 80D में हमें डिडक्शन कितना मिला है वो मैं यहां पर फिल कर रहा हूं। तो यहां जो फाइल करने वाला है क्या वो सीनियर सिटीजन है, उसको मैंने नो करा है। हेल्थ इंश्योरेंस में जो इसका प्रीमियम गया है वो गया है 20,148 रुपए का, इसका प्रूफ एम्प्लॉय के पास है। प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में इसने साल में एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है 1,200 रुपए का, वो भी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम 25,000 रुपए का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपने उनके बिहाफ पर भी पॉलिसीज ली है तो उनका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज़, अगर वो 60 ईयर्स से अबव है। अगर 60 से नीचे है तो उनका भी 25,000 रुपीज़ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट टैक्स प्लानिंग, उसके लिए ऑलरेडी देर हो चुकी है, हम सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हो तो हमने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना रखा है टैक्स प्लानिंग के ऊपर, वो भी आप बाद में देख सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए क्लेम कर रहे हैं, एंड इसे मैं सेव कर देता हूं। देन लास्ट 80TTA सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये वाला मुझे भरना है, इसको मैं फिल कर रहा हूँ। हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था वो 14,775 रुपए था, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। अब मेरे सारे डिडक्शंस ऐड हो चुके हैं, इसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कोई अगर डिडक्शन है तो आप यहाँ पर जाकर उसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया है तो। एंड लास्टली हमारा अमाउंट आ जाता है टैक्स पेड, इसे आप कंफर्म करिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी बन के आ गई है, इसे आप देख सकते हो। टोटल हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आई थी 22,00,000 रुपए, उसके अलावा जो हमारा टैक्स बना है वो 4,00,000 रुपीज़, 67,000 रुपीज़ का हमारा टैक्स बना है,
और इस पे सेस वगैरह मिलाकर 485,000 का हो जाता है, कंफर्म, प्रोसीड। और यहाँ पर हमारा रिफंड अमाउंट जो बन रहा है वो 10,000 रुपए का रिफंड बन रहा है। प्रीव्यू रिटर्न, यहाँ अपने नाम पर क्लिक करिए, बाकी कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करिए बिना, प्रोसीड टू प्रीव्यू करिए। एंड ये पूरा कंप्यूटेशन आपका बनकर रेडी है। इसमें आपकी टोटल इनकम 24 लाख रुपीज थी, इसके अंदर आपने ये सारे एग्जम्पशंस क्लेम 1,21,000 रुपये, 12,000 रुपये और 5,932 रुपये, इसके अलावा 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2,500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स का जो पेमेंट था उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 16 के अंडर मिला है। देन 80C और 80D के आपके जो डिडक्शन है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ में जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है उस पर भी जो 10,000 रुपये का डिडक्शन है वो अब यहाँ पर दिख रहा है। टोटल 1,03,000 रुपये के डिडक्शंस हैं। इन सारे एग्जम्पशंस डिडक्शन हटाने के बाद जो हमारा टैक्स अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 4,85,000 रुपये। हमने ऑलरेडी 4,95,000 रुपये का TDS भर चुके हैं जिसके कारण 10,000 रुपये का रिफंड बन रहा है। रिफंड का जो बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी एरर होंगे ITR में तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ITR यहाँ पर वैलिडेट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ पर आपका कोई टैक्स बन रहा होगा तो यहाँ पर टैक्स पे करने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको वेरीफाई जरूर करना है। अगर आप अपना ITR वेरीफाई नहीं करते हैं तो 120 दिनों में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन होंगे, ई वेरीफाई नाउ, जिसको आप आधार, अपने बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, जो सबसे इजी है। ई वेरीफाई लेटर, आप नेक्स्ट 30 डेज में वेरीफाई कर सकते हो, जो कि आपको प्रिंट करके स्पीड पोस्ट के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा। ई वेरीफाई नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे एंड कंटिन्यू करोगे तो आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हो, यहाँ पर आप आधार सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू करिए। आपके आधार पर एक OTP आएगा जिसे आप डालकर अपना फॉर्म वेरीफाई कर सकते हैं। अपना ITR फाइल करने की 2 निंजा टेक्निक मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान से समझिए कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने रिटर्न के बारे में कब सोचते हैं, जब उसकी जुलाई या सितंबर की डेडलाइन हमारे सर पर होती है। वो समय आप सिर्फ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपनी टैक्स की प्लानिंग नहीं, क्योंकि टैक्स की प्लानिंग शुरू होती है साल के शुरू होते ही। 1 अप्रैल से टैक्स की प्लानिंग शुरू होती है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप अपनी कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्स को समझे, जाने, जितना आप जानेंगे उतना टैक्स बचा पाएंगे। इसके लिए LLA आपके लिए कर रहा है कैपिटल गेन मास्टर क्लासेस, जिसमें हम कैपिटल गेन को बहुत गहराई से समझाते हैं, टैक्स बचाना सिखाते हैं, प्लस आपके लाइव क्वेश्चंस लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है। तो आप ये ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है, उसका लिंक आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो जाते जाते 2 निंजा टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपकी जितनी भी एडिशनल इनकम है, मान लीजिए आपकी कोई फ्रीलांसिंग इनकम है या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आई है, अगर अब आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर देते हैं तो अपने फॉर्म 16 में अपडेट कर देगा। उसके 2 फायदे हैं, पहला तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे अमाउंट यहाँ पे पॉपुलेट होंगे, एंड नंबर 2nd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी लेट टैक्स पे करने की, क्योंकि अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा होता है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स फाइल करना होता है, वो भी 31 मार्च से पहले पहले। एंड नंबर 2nd, आपके जितने भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस के प्रूफ है, मान लीजिए आपने अपने से ELSS में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आपने कोई मेडिक्लेम ले रखा है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे नहीं तो उसके सपने में नहीं आएगा और वो आपके फॉर्म 16 में अपडेट नहीं करेगा, जिसके चलते हो सकता है आपका जो TDS है जितना कटना चाहिए उससे भी ज्यादा कट जाए। वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं होना है, आपका वो पैसा कुछ महीनों बाद आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ महीने का आप अपॉर्चुनिटी लॉस तो ले ही रहे हो ना। तो इसलिए 2nd इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने जितने भी डिडक्शंस हैं उसके प्रूफ आप टाइम रहते हैं, जनरली नवंबर दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास कंपनी ये आपसे रिकॉल करती है, वो आप अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर सबमिट करा दें ताकि फॉर्म 16 में वो अपडेट हो जाए। तो जाते जाते दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जितना टैक्स के बारे में जानेंगे उतना टैक्स बचा पाएंगे, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आए हैं कैपिटल गेन मास्टर क्लास। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारा आप टैक्स इससे बचा पाओगे, एक स्मार्ट टैक्स इन्वेस्टर आप बन पाओगे। लिंक पिंड कमेंट में। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। क्यों हुआ पूरा बाहर कैसा गया? शिट।